आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्मेशन। जल्द ही गुप्त नवरात्र आने वाली है, ऐसे में आपको बताते चले शुभ मुहूर्त और पूजा करने की विधि। सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। एक वर्ष में 4 नवरात्र का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इनमें से 2 नवरात्र का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। चैत्र और शारदीय नवरात्र के अलावा 2 अन्य नवरात्र और मनाए जाते हैं। एक गुप्त नवरात्र माघ माह में और दूसरा गुप्त नवरात्र आषाढ़ महीने में होता है। इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्र की शुरुआत 19 जून से शुरू हो रही है, यह 28 जून को समाप्त होगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्र बेहद खास होता है। इतना ही नहीं, धार्मिक मान्यता के मुताबिक गुप्त नवरात्र में मां जगदम्बे के 9 रूप की पूजा आराधना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 18 जून को सुबह 10:06 से प्रारंभ हो रही है और यह तिथि 19 जून की सुबह 11:25 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत इस साल 19 जून से लग रहा है, इसका समापन 28 जून को होगा। शास्त्र के मुताबिक गुप्त नवरात्र के दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 जून को प्रातःकाल 5:30 से और 7:27 तक है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी कलश की स्थापना की जा सकती है। आठ माह में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र के दिन 9 देवियों की पूजा आराधना की जाती है। सूर्य उदय से पहले स्नान ध्यान करके शुभ मुहूर्त में पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद गंगा जल से उस स्थान को पवित्र करना चाहिए। एक कलश की स्थापना करनी चाहिए। अखंड ज्योति जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में आई तमाम परेशानियां दूर होगी। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और भी वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे। न्यूज़ फॉर्मेशन, नमस्कार।